सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक टॉक्स की रिफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल से, जहाँ पे सवाल ये था कि इंडिया में दोस्तों लॉन्च हुए एलजी का विंग और एलजी वेलवेट, तो आपका इनके बारे में क्या कहना है। तो दोस्तों बोला है आप में से 28% ने कि यार फोन्स जो हैं वो अच्छे हैं, 4% बोलते हैं अच्छे नहीं हैं और 68% ने कहा है कि इट डजेंट मैटर। यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आज का सवाल आपके लिए ये है कि बस सवाल है 1212121212121212121, मतलब मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ कितनी बार बोल रहा हूँ, लेकिन क्या आप गेस कर चुके हैं? कुछ स्पेशल आने वाला है, बताइए जरूर अगर आपका गैस क्या है सीधा पोजीशन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ बस दबा डालिए लाइक बटन को। यहां पर दोस्तों बात करते हैं पहले बिल्कुल लेके निकल के आता है Xiaomi के मी नोटबुक 14 को लेके, और यहां पर दोस्तों अभी इसका एक i3 वाला वर्जन आने वाला है जो कि होगा 10th जनरेशन i3 प्रोसेसर बेस्ड, जहां पर हमको एक इनबिल्ट वेबकैम भी मिलेगा। लेट्स सी कि इंडिया में कब आता है और आखिर किस कीमत पे। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहां पर हमारे पास में इंडिया में मोबाइल डेटा की स्पीड्स को लेके, तो यहां पर दोस्तों परेशानी आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत लोग उठाते होंगे जहां पे हमको कई बार बहुत तेज स्पीड्स नहीं मिल पाती हैं। और यहां पर दोस्तों ओकला के हिसाब से जो रैंकिंग निकल के आया दोस्तों इंडिया की ग्लोबली वो 131वें नंबर पे है, तो उम्मीद हम दोस्तों ये करते हैं कि आगे चल के रैंकिंग और ऊपर जाए। जहां पे अगर आपसे बात करता हूं फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में रैंकिंग की, दोस्तों वो थोड़ा सा लिस्ट में भी ऊपर निकल के आई है जो कि है 71 पोजीशन इंडिया के पास में। उम्मीद करते हैं कि आगे चल के जो डेटा स्पीड्स हैं इंडिया में वो और थोड़ी सी बेहतर हो। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में वेराइजन को लेके, और यहाँ पर दोस्तों यूएस में ये जो ऑपरेटर हैं भैया लॉन्च करते हैं याहू ब्रांडेड स्मार्टफोन, कीमत है सिर्फ $50। मतलब दोस्तों ये टेक्निकली कहने के मुझे याद दिलाता है कि जो इंडिया में हम बात कर रहे हैं जियो का जो 5G फोन आएगा मतलब 2500-3000 रुपए का, तो मतलब याहू मोबाइल के साथ में दोस्तों कोलैब करके वेराइजन ने तो काम कर दिया यूएस में। इंडिया में देखते हैं अभी भैया जियो वाले जो हैं वो कब हमको 5G का मजा चखा पाते हैं एक सस्ते फ्लेवर में। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे जूम की तरफ से, और दोस्तों सभी यूजर्स के लिए जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसको भी डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है जूम ने, तो अगर आप जूम कॉल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा अभी आपकी सिक्योरिटी x100 होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है हमारे पास में वही बात को लेकर जो तो बिल्कुल मतलब होना ही था, और यहां पर दोस्तों अभी काउंटर पॉइंट के एक अपडेट के अकॉर्डिंग सैमसंग जो है वो दोस्तों बन गया है इंडिया का number 1 स्मार्टफोन ब्रांड। Xiaomi को दोस्तों यहां पे पीछे धकेल दिया है सैमसंग ने, और अभी जो दोस्तों हुआ है Q3 2020 का उसमें सैमसंग ने गेन की है फर्स्ट पोजिशन फिलहाल, तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे में काफी हमने दोस्तों देखा कि जो Xiaomi है वो लंबे समय तक number 1 ब्रांड बना रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में फिर एक सवाल है कि जो Xiaomi के फोन के बॉक्सेस पे लिखा होता है number 1 स्मार्टफोन ब्रांड, अब जब ये रिपोर्ट का रिजल्ट आ गया है तो फिर सभी बॉक्सेस को चेंज करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। Xiaomi के लिए थोड़ी सी शायद मुसीबत हो जाएगी, बट लेट्स सी आगे रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एप्पल क्लिप्स को लेके, और यहाँ पे दोस्तों अभी जो है वो कुछ और नए अपडेट्स निकल के आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे अभी वर्टिकल वीडियो का सपोर्ट है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इंटरफेस है उसको भी काफी बदला गया है। मतलब एप्पल क्लिप्स एक बहुत ही अंडररेटेड ऐप है जहाँ पे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी वीडियोज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं अगर आप एक iOS यूजर हैं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है सैमसंग के गैलेक्सी Z Fold 3 को लेके, और यहां पर दोस्तों गैलेक्सी Z Fold 3 जो है वो कुछ क्रेजी आने वाला है, बिकॉज यहां पे रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें एक स्लाइड आउट कीबोर्ड हो सकता है। मतलब भाई एक तो फोल्डिंग फोन ऊपर से स्लाइड आउट कीबोर्ड, मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें पैक कर देगा सैमसंग इस फोन में। लेट्स सी कि ये फोन आखिर लॉन्च कब तक होता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में लिनोवो की तरफ से, यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है लिनोवो के फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट की, तो ये दोस्तों अनवील किया लिनोवो ने। मतलब आगे चल के आप समझ लो कि जो मशीन्स है ना वो चारों तरफ दोस्तों होने वाली है हमारे, और अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से काम में ली जाएंगी। फिलहाल के लिए लिनोवो का ये है एक फर्स्ट सेल्फ डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रोबोट। अगली दोस्तों खबर निकल के आती है हमारे पास में वी को लेके, और वी बोले तो वी आई बोले तो वोडाफोन आइडिया को लेके, और इंडिया में दोस्तों मोबाइल नेटवर्क की अगर आपसे बात करता हूं तेजी के हिसाब से दोस्तों रैंकिंग की, तो अगेन ओकला के हिसाब से दोस्तों ये इंडिया में number 1 है, लेकिन अगर आपसे बात दोस्तों करता हूं 4G अवेलेबिलिटी की तो number 1 स्पॉट पे है जियो 4G। आपके हिसाब से अभी इंडिया का बेहतरीन नेटवर्क कौन सा है? क्या वो जियो है, एयरटेल है, वी है, या BSNL है, या MTNL है, या और जो बाकी नेटवर्क्स हैं वो हैं?
मतलब आपकी नजर में सबसे बेस्ट कौन है, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे आईफोन 12 को लेके, और ऐसे में दोस्तों अभी डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और इसी के चलते जो दोस्तों प्रोडक्शन है उसको 20 लाख यूनिट्स बोले तो 2 मिलियन दोस्तों जो क्वांटिटी है उसके साथ में भी इंक्रीज किया है एप्पल ने रिपोर्ट्स के हिसाब से, बिकॉज बहुत जगह पे बहुत स्ट्रांग डिमांड आ रही है आईफोन 12 की। खैर मैंने भी बहुत ज्यादा डिमांड कर दी है आईफोन 12 की, जल्दी मालूम चलेगा काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है एसुस के आरओजी फोन 3 को लेके, यहाँ पे दोस्तों इंडिया में इसकी कीमत को 3,000 रुपए कम कर दिया गया है, जो कि अब शुरू होती है सिर्फ 4,699 रुपीज से। इस कीमत में डेफिनेटली स्पेक्स को देखते हुए बहुत ही एक शानदार ऑफरिंग बन जाता है एसुस की तरफ से स्मार्टफोन। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के सीएम को लेके, और यहाँ पे दोस्तों ये ब्लॉक करना चाहते हैं ea.com। इसी के अलावा दोस्तों और 131 अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिनको दोस्तों ब्लॉक करना चाहते हैं आंध्र प्रदेश में, बिकॉज ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग के अगेंस्ट अगर हमको भैया जो है लड़ाई लड़नी है तो ये सब वेबसाइट्स को ब्लॉक करना पड़ेगा, जहाँ पर दोस्तों मिनी क्लिप एडिटिंग गेम्स जपैक वगैरह और बहुत सारी फ्लैश गेम्स टाइप वाली वेबसाइट्स भी अवेलेबल। आपका इसके बारे में क्या फीडबैक होगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहां पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है लास्ट Realme C15 के Qualcomm एडिशन को लेके, ये दोस्तों लॉन्च कर दिया है Realme ने, जहां पे जो कीमत है दोस्तों वो बिल्कुल सेम है जो कि MediaTek वाला वर्जन है Realme C15 का उसी की तरह, और यहां पे अभी हमको मिल रहा है Snapdragon का 460 प्रोसेसर। इतने सारे फोन्स, इतना सारा कंफ्यूजन, समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा पिक कर ले। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सालों सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।